नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार की लड़ाई थोड़ी कड़ी मानी जा रही है। 7 दलों का एक गठबंधन, तो दूसरी तरफ फिलहाल बीजेपी थोड़ी अकेले दिखाई दे रही है। ऐसे में 24 की लड़ाई बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बताने वाली है, समझाने वाली है और 25 के संभावनाओं को भी जताने वाली है। इसलिए हर सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कई सीटों पर बातचीत हमने की है, अब तक वहां का समीकरण पहुंचाया है और आज बारी है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की। यह सीट पिछले 3 चुनावों से एनडीए के खाते में है। 2009 में यहाँ पर जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव को हराकर सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी के तरफ से रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को हराया। यानी यहाँ की लड़ाई जो है वो यादव बनाम यादव पिछले 3 चुनावों से देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सीट पर केवल यादव की बहुलता है या केवल यादव ही ये फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यह सीट भूमिहार समुदाय के वर्चस्व के लिए भी जानी जाती है। यह सीट कोयरी कुर्मी के जातीय समीकरण को भी समझने के लिए और साधने के लिए जानी जाती है और इसी वजह से बीजेपी या कहिए कि एनडीए अब तक 3 चुनावों से पिछले इस सीट पर आसानी से जीत दर्ज करता आ रहा है। लेकिन 2024 की राह क्या रामकृपाल यादव के लिए आसान होगी? क्या 2024 में रामकृपाल यादव को बीजेपी टिकट देगी? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्या लालू परिवार 2024 में एक बार फिर से यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेगा, यानी अपने परिवार से किसी को, या फिर यह सीट वो किसी और के लिए छोड़ेगा? कई तरह के नामों की चर्चा चल रही है, कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। धुरंधर धुरंधर नेता मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है पाटलिपुत्र की सीट पर बेहद ही अहम होने जा रहा है और यहाँ की लड़ाई शायद आपको पूरे बिहार के 40 सीटों में सबसे ज़्यादा कड़ी और सबसे ज़्यादा हो सकता है कि टक्कर वाली देखने को मिले। यहाँ पर जीत के लिए आर पार की भी तैयारी चल रही है, जो भी होगा लेकिन वो तो वक्त बताएगा। अभी के समीकरण और अभी के दावेदारों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें, मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव हैं, लेकिन इसके पहले पाटलिपुत्र लोकसभा सीट यानी 2008 से पहले जब परिसीमन नहीं हुआ था तो ये पटना लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। उस दौरान भी 2004 में रामकृपाल यादव आरजेडी से जीते थे, 1996 में भी रामकृपाल यादव आरजेडी से जीते थे, लेकिन इसके अलावा सीपी ठाकुर भूमिहारों के बड़े नेता, पूर्व मंत्री, कद्दावर बीजेपी के नेता इस सीट पर 3 दफा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उसमें से अगर बात करूं मैं तो कांग्रेस के टिकट पर भी उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन अब बीजेपी में हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। अब उनके बेटे विवेक ठाकुर राज्यसभा में सांसद हैं बीजेपी के, यानी कि यहाँ पर भूमिहारों का भी वर्चस्व रहा है। लेकिन 2004 के बाद से इस सीट पर भूमिहारों का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होते चला गया। किसी भी बड़ी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और शायद उसके पीछे कारण भी कुछ रहा, क्योंकि परिसीमन के बाद कुछ क्षेत्र इधर से उधर भी हुए, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो पटना लोकसभा सीट के नाम से जब ये जाना जाता था 2008 से पहले, तो इस क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उसमें मनेर और पालीगंज आरा लोकसभा के हिस्सा हुआ करते थे और मसौरी जहानाबाद का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े हैं उसमें बदलाव हुआ
और अब मनेर, पालीगंज, मसौरी, दानापुर, फुलवारी और विक्रम के साथ पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के हिस्सा बन गए हैं। और उसके बाद से यहाँ की कहानी भी बदली है। लालू परिवार 2009 से इस सीट पर लगातार 3 बार चुनाव लड़ा। खुद लालू प्रसाद यादव भी 2009 में लड़े और वो भी चुनाव हार गए। बेटी मीसा भारती 2 बार से चुनाव हार रही हैं। ऐसे में सब कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या यादव को उतारने से ज़्यादा फायदा लालू परिवार को भूमिहार कैंडिडेट को उतार कर होगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पूर्व डीजीपी करुणा सागर अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं और कहा यह जाता है कि जो आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं अमरेंद्र धारी सिंह, बहुत पैसे वाले हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, उन्होंने करुणा सागर को पार्टी में शामिल कराया है। और करुणा सागर मसौरी के रहने वाले हैं और मसौरी विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में भूमिहार एक कैंडिडेट पर भी शायद आरजेडी दांव खेल सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। और करुणा सागर के आरजेडी में शामिल होने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं। हालांकि जो हमने अपने सूत्रों से जानकारी हासिल की और यहाँ के समीकरण को समझने का प्रयास किया तो उन्होंने सबसे पहले जातीय आंकड़े को हमारे सामने रख दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि पाटलिपुत्र लोकसभा में 4 लाख से अधिक यादव हैं, 3 लाख से अधिक भूमिहार हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका में कोयड़ी और कुर्मी होते हैं जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। ऐसे में अब तक का जो वोट बैंक होता था उसमें यादव में थोड़ी बहुत सेंधमारी रामकृपाल यादव के तरफ से होती थी तो कुछ वोट बीजेपी को मिलता था, भूमिहार का पूरा वोट चला जाता था, कोयरी कुर्मी का भी वोट मिल जाता था तो रामकृपाल यादव का पलराई सीट पर भारी हो जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया है और वो अब आरजेडी के साथ है, ऐसे में आरजेडी के नेता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोयरी कुर्मी का वोट शायद उनको मिलेगा। लेकिन जो फील्ड में सूत्र हमारे घूम रहे हैं, जो जमीन पर संवाददाता काम कर रहे हैं, उन्होंने एक हमको फीडबैक दिया है और फीडबैक ये दिया है कि देखिए यादव का जो वोट बैंक है वो तो आरजेडी के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यादव भूमिहार को भी उतार दे तब भी उनके साथ अधिक संख्या में वो जाएंगे, यादव को भी उतार दे तब भी वो उनके साथ ही जाएंगे, थोड़े बहुत अगर रामकृपाल यादव को टिकट मिलता है तो वो काटेंगे, लेकिन कोयरी कुर्मी का जो वोट है वो नीतीश कुमार के साथ जाने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने कुछ हमको विधानसभा के क्षेत्र बताए, जैसे फुलवारी, मसौरी, पालीगंज और दानापुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कोयरी कुर्मी की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन उनका मानना है कि लगभग 60-70% वोट जो है वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ रहने से ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में एक दांव भूमिहार समुदाय पर आरजेडी खेल जरूर सकता है, लेकिन यहाँ पर दावा तो रीतलाल यादव ने भी दिया है, यहाँ पर दावा तो भाई वीरेंद्र का भी बनता है अगर लालू परिवार चुनाव नहीं लड़े तो ऐसे में हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि ये दोनों कितने बेहतरीन उम्मीदवार हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए रीतलाल यादव की छवि उतनी बेहतर नहीं है, तो ऐसे में भूमिहार समुदाय तो जाएगा ही नहीं उनके साथ, यादव भी उनसे छटक जाएंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पर नुकसान होगा। लेकिन भाई वीरेंद्र जो कि मनेर से विधायक हैं, लंबे समय से विधायक हैं, उनका बोलबाला जरूर इस सीट पर देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में उनका बोलबाला है, अलग अलग लोगों के साथ उनके संपर्क ज़्यादा हैं, उनकी पैठ ज़्यादा है। तो अगर यादव में से चुनना हो किसी को और लालू परिवार से बाहर, तो रीतलाल यादव पर भाई वीरेंद्र भारी पड़ेंगे। लेकिन अगर भूमिहार को देना हो तो करुणा सागर का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उनका नाम जहानाबाद से लड़ने को लेकर भी आ रहा है। लेकिन इसके अलावा ये भी खबर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है कि लालू परिवार खुद ही इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे कारण जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 सीट है जो कि पारंपरिक तौर पर अब लालू परिवार के लिए जरूरी मानी जाती है, 1 सारण की सीट
और दूसरा पाटलिपुत्र की सीट। लेकिन सारण की सीट पर राजीव प्रताप रूडी ने अपना कब्जा ऐसे जमा लिया है कि ऐसा लगता है कि अब उनको हराना बहुत ही मुश्किल है। और शायद लालू परिवार भी पिछली बार इस सीट पर चुनाव ना लड़कर उन्होंने ये जता दिया था कि अब वो इस सीट को छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन अगर सारण की सीट वो छोड़ते हैं, उनका परिवार उस सीट पर नहीं लड़ता है, तो ऐसे में पाटलिपुत्रा की सीट को भी लालू परिवार छोड़ दे, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। उन्होंने कहा कि मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, और मीसा भारती के चुनाव लड़ने के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि वो चाहते हैं लालू यादव कि कोई एक जो है परिवार से सांसद रहे, ताकि दिल्ली में जो जगह है वो बनी रहे। अब मीसा भारती चुनाव हार जा रही हैं या लालू परिवार से कोई लोकसभा का सांसद नहीं बन पा रहा है, इस वजह से राज्यसभा की सीट पर उनको दावेदारी अपने परिवार से देनी पड़ रही है। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि कोई लोकसभा से चला जाए लोकसभा में, ताकि राज्यसभा की सीट खाली हो तो किसी कार्यकर्ता नेता को वहाँ भेजा जाए। और चुनाव में पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये राज्यसभा की सीट आरजेडी के लिए और लालू परिवार के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक दिखाई दे रही है। तो मीसा भारती इस सीट पर चुनाव लड़ते आपको एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर हम करें बीजेपी की, तो बीजेपी से मौजूदा सांसद हैं अभी रामकृपाल यादव। 2014 में भी वो चुनाव जीते, 2019 में भी चुनाव जीते, आरजेडी छोड़कर आए हैं। लेकिन क्या 2024 में भी वो चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर अभी पाटलिपुत्र के सीट पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए वो तैयारी भी खूब कर रहे हैं। अभी अमित शाह के साथ उनका उठना बैठना भी सबसे ज़्यादा है, कार्यक्रम अमित शाह के वो लगातार जो है वो पटना में करते दिखाई देते हैं, उसकी तैयारी करते नज़र आते हैं। तो विवेक ठाकुर चाहते हैं पाटलिपुत्रा की सीट पर लड़ना, लेकिन अब इसमें समस्या ये है कि अगर पाटलिपुत्रा की सीट पर विवेक ठाकुर भूमिहार नेता को उम्मीदवार बना दिया जाए, तो क्या यादव वोट विवेक ठाकुर के साथ आएगा? क्या रामकृपाल यादव विवेक ठाकुर के समर्थन में खड़ा हो पाएंगे? और खड़ा भी होंगे तो क्या यादव उनको वोट देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ उभर कर आता है। और यादव का अगर एक मुश्त वोट मीसा भारती के पक्ष में चला गया या आरजेडी के किसी उम्मीदवार के पक्ष में चला गया, तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को इस सीट पर झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रामकृपाल यादव के लड़ने के बावजूद भी पाटलिपुत्रा की सीट पर जीत हार का जो अंतर है वो 30,000 से 40,000 के बीच में ही होता है। और कहा जाता है कि ये 30,000 से 40,000 जो वोट होते हैं वो यादव जाति का होता है, जो कि रामकृपाल यादव के नाम पर बीजेपी को मिलता है। लेकिन अगर रामकृपाल यादव के बजाय यह वोट आरजेडी को पूरा पूरा चला गया और विवेक ठाकुर उम्मीदवार बनते हैं, तो ये नुकसान झेलना पड़ा। फिर यहाँ पर जो जीत हार का बात है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा पीछे धकेल सकता है। तो इसलिए भी एक ये मामला बनता नजर आ रहा है कि विवेक ठाकुर अगर लड़ना भी चाहें तो क्या जातीय समीकरण में फिट बैठेंगे? लेकिन उनके लिए एक बात जमीन पर ये अच्छी दिखाई दे रही है कि कोयरी कुर्मी का जो वोट है, जो कि नीतीश कुमार के साथ रहता था, वो उनके साथ पूरी की पूरी संख्या में जाता नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से भी विवेक ठाकुर चुनौती जरूर दे सकते हैं, लेकिन कहीं उनके जीतने का चांस रामकृपाल यादव के तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में ये भी लोग हमको जानकारी दे रहे हैं कि पाटलिपुत्रा की सीट पर अगर रामकृपाल यादव का टिकट काटा बीजेपी ने, तो हो सकता है कि रामकृपाल यादव बीजेपी छोड़ भी दें। और बीजेपी छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, आप सभी जानते हैं। उनको बस पाटलिपुत्रा की सीट से मतलब है, और इसीलिए तो वो लालू यादव को छोड़ कर आए थे। और अगर बीजेपी में भी उनका टिकट कट गया, तो फिर तो वो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे। और उनके बेटे भी आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, ओबरा की सीट से शायद वो कोशिश कर रहे हैं, फतुहा में भी जोर लगा रहे हैं।
देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 25 का चुनाव वो क्या करते हैं, कहाँ से लड़ते हैं। लेकिन इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा की सीट पूरे 40 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा कड़ी और टक्कर की होने वाली है। यहाँ पर भी भूमिहार समुदाय के नेताओं ने अपना दावा ठोक दिया है। उनका कहना है आंकड़े में हम यादव से ज़्यादा कम नहीं हैं, तो हमें भी यहाँ पर उम्मीदवार अपना देना है, क्योंकि सीपी ठाकुर के बाद यह सीट किसी भी भूमिहार को किसी बड़ी पार्टी ने नहीं दिया है। इसलिए सीपी ठाकुर के बेटे यहाँ पर तैयारी में जरूर हैं, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किस पर दांव लगाती है। क्या सीपी ठाकुर पर भरोसा करती है, क्या यादव के बजाय भूमिहार को उतारती है, या फिर एक बार फिर से यह सीट जीतने के लिए रामकृपाल यादव ही उसके सहारा बनते हैं। बात महागठबंधन में भी है, भूमिहार की भी चर्चा है, यादव की भी चर्चा है, लालू परिवार की भी चर्चा है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद लोग यही लगा रहे हैं, खबर यही निकल कर आ रही है कि लालू परिवार पाटलिपुत्र की सीट नहीं छोड़ेगा। तो इस सीट की लड़ाई तो जबरदस्त होगी, 40 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा कड़ी होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार यहाँ का जो बादशाह है वो कौन बनता है। लेकिन भूमिहार बनाम यादव इस सीट पर भी आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ की लड़ाई जो है वो कई अन्य सीटों के समीकरण को भी बनाते और बिगाड़ते नजर आएगी। एक और विधायक हैं सिद्धार्थ, कांग्रेस के हैं, विक्रम से हैं, वो भी चाहते हैं यहाँ पर चुनाव लड़ना, लेकिन क्या इतना आसान है यहाँ पर कांग्रेस को यह सीट जाना? महागठबंधन से बहुत मुश्किल है, कोशिश हर कोई कर रहा है, देखना है कि किसके पाले में यह सीट जाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।